मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के खवातीन के हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा दरियाफ्त हुआ, जिसने जुमेरात की रात से ही कई तुलबा और मुकामी कम्युनिटी को एहतजाज करने पर मजबूर किया। ये वाकया गुडला वलेरू मंडल के शेषाद्री राव गुडला वलेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पेश आया, जहाँ 34 साल के 2 तालिबे इल्मों ने मुबैना तौर पर लड़कियों के हॉस्टल के वॉशरूम के अंदर खुफिया कैमरे लगाए। जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम तालिबात जमा हुए और कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इस सिलसिले में कई शिकायत दर्ज होने के बावजूद एक ही कॉलेज के 2 तालिबात के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने पर एहतजाज मुनज़िम किया। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि वॉशरूम में एक मुश्तबा खुफिया कैमरे का मामला 1 हफ्ता कबल सामने आया था, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तालिबे इल्मों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 300 से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड की गई और मुलजिमान ने इन्हें वायरल करके दूसरों को पैसे के एवज फरोख्त किया। SPR गंगाधर राव ने कहा कि 2 तुलबा को हिरासत में लिया गया और उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तुलबा ने उन पर अफवाहें फैलाई, जिसके बाद तुलबा को उन दोनों पर शक हुआ। हमें अपनी चेकिंग के दौरान गर्ल्स हॉस्टल में कोई कैमरा नहीं मिला। पुलिस ने दिगर तालिबात और कॉलेज के अमले के सामने 2 तालिबात के लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दिगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तलाशी ली। कोई वीडियो और तस्वीर नहीं मिली, जैसा कि तालिबे इल्मों का इल्ज़ाम है। तुलबा को इस मसले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा। గుడ్లా వలేరు పోలీస్ నే వాఖే పర్ ముఖదమా దర్ వారం నుంచి వారం 10 రోజుల నుంచి మేనేజ్‌మెంట్ ఏం చేస్తుంది, నేను నిన్న 5 గంటలకి కంప్లైంట్ ఇస్తే గాని ఇంకా మాకు తెలియదు అంటారు, ఏంటి రాత్రి రాత్రి ఎలా వచ్చే తన్న ఫేక్ న్యూస్ అని, రాత్రి రాత్రి నిన్న 1 మంత్ అడిగారు ఇన్వెస్టిగేషన్ కి, మళ్ళీ రాత్రి రాత్రి ఫేక్ న్యూస్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు, అమ్మా వాళ్ళు పిలిపించాలి స్టాఫ్ ఉంటారు చెప్పించాలి, మమ్మల్ని కేసు తప్పకుండా మా మీద రివర్స్ కేసు పెడతారంట, ఎలా పెడతారు మా మీద కేసు, మీరేం చేస్తారు మా మీద పెడతారు।